हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद अनदर प्लान। एक नई वीडियो अपडेट को लेकर के मैं आ चुका हूँ आप सभी के साथ से। एक नया प्लान जो कि हमारे व्यूअर का ही डिमांड पे ये प्लान बना है। जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये प्लान था सुमन जी का, जिन्होंने स्पेशल कमेंट किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैं टेक्स्ट किया, फिर व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने मुझसे जुड़ा। तो उनके रिक्वेस्ट मैंने इसका थर्ड वर्जन मैंने बनाया, जो कि उनको पसंद नहीं आया फिर भी, क्योंकि ये एक पेड प्लान है। इसके लिए उन्होंने कुछ अमाउंट पेड किए हैं, तो उनके कहने पर मैंने तीसरा मैंने बनाया है। सबसे पहले आपको मैं ग्राउंड फ्लोर पे दिखा दूँ, तीन शॉप्स है, जो कि आपको मैं बता दूँ पहले कि ये जो है आपका वेस्ट है और ये साउथ है। साउथ और वेस्ट में दोनों तरफ रोड है। यहाँ पे देख सकते हैं सामने तीन शॉप है, यहाँ पे पार्किंग एरिया है। मेन एड्रेस मैंने इधर से दिया है, पार्किंग एरिया है जो कि 22 फीट x 18 फीट 4 इंच का है। सामने से स्टेयर है, यहाँ पे लिफ्ट का पोजीशन छोड़ा गया है और यहाँ पे कॉमन जगह छोड़ा गया, जाके अगर आप चाहे तो एक टॉयलेट दे सकते हैं या फिर यहाँ पे बाइक वगैरह लगाने के लिए यहाँ पार्किंग हो जाएगा। यहाँ पे नीचे में एक 1 BHK का एक हाउस प्लान है, देख सकते हैं। यहाँ पे एंट्री करते हैं, देख रहे हैं 1 BHK फ्लैट, जो कि हॉल का डायमेंशन देख सकते हैं। किचन है ओपन और यहाँ पे टॉयलेट है और यहाँ पे एक बेडरूम है। तो ये सिंपल सा ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। अब चलिए मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है उनके कहने पे, वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट फ्लोर में आप देखते हैं, जैसे स्टेयर से ऊपर आएंगे आप बड़ा सा हॉल देखने को मिलेगा, जो कि 22 फीट 13 फीट 4 इंचेस का है। यहाँ पे बड़ा सा एल शेप का सोफा लगा है, यहाँ पे चेयर वगैरह लगाया है। आप चाहे तो यहाँ बैठ के भी किचन स्लैब को आप डाइनिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे स्लैब को हटा के यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। यहाँ पे पूजा रूम है और यहाँ पे जो किचन है आपको बिल्कुल साउथ और ईस्ट कॉर्नर पे है। ओके, और ये यूटिलिटी एरिया है, बगल के बाहर में 4 फीट का है, 4 फीट चौड़ा है, यूटिलिटी एरिया दिया गया है। ठीक है, पूजा रूम का डायमेंशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट बेडरूम है और यहाँ पे बगल में कॉमन टॉयलेट है और यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम है, जो कि आप साउथ और वेस्ट कॉर्नर पे देख सकते हैं। यहाँ पे टॉयलेट अटैच्ड, यहाँ पे एक बरांडा है, यहाँ पे लतानी में इसका यूज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। और यहाँ पे एक और बेडरूम देखने को मिलेगा, जो कि 14 फीट x 18 फीट का है। ठीक है, तो ये इनका मॉडिफिकेशन ये था कि थोड़ा सा किचन को जो है उसमें यूटिलिटी एरिया दिया जाए। तो यहाँ पे यूटिलिटी एरिया हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा ओपन स्पेस मिलेगा और बालकनी के रूप में भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, चलेंगे अब हम इसके सेकंड फ्लोर की ओर। जैसे ही सेकंड फ्लोर पे हम लोग ऊपर आएंगे, यहाँ पे सेम कॉमन टॉयलेट हॉल और यहाँ पे एक बेडरूम दिया गया है, जो कि मास्टर बेडरूम है। और यहाँ पे बरामदा जैसा कि फर्स्ट वाले फ्लोर में था, और इस रूम को पार्टी हॉल के रूम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने यहाँ पे एक पार्टी हॉल तो चाहिए सर फैमिली में, तो इसे मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे पीछे में जो है गार्डन स्पेस कर दिया, जो कि काफ़ी बड़ा है। मैंने इसका स्क्वायर फीट नहीं लिखा है, मैं इसका जो पीछे का एरिया है, मैंने हमारे जो सुमन जी है हमारे व्यूअर, उन्होंने कहा था ये किचन टॉयलेट और जो बेडरूम है उसको रिमूव करने के लिए, तो मैंने उसे रिमूव करके ये गार्डन स्पेस से क्रिएट किया है। यहाँ पे स्टील का स्टेयर दे सकते हैं, जो कि आप थर्ड फ्लोर पे जाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सुमन जी ये जो प्लान है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको फाइनल इसका प्लान बनाना होगा तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आप जितना मॉडिफिकेशन बोलने के मैं उसमें कर दूंगा। अगर आप लोगों को भी कोई ऐसा प्लान बनवाना है तो प्लीज़ डू कमेंट फास्ट। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आई होप आप लोग इस वीडियो को पसंद किए होंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग कमेंट करते रहिए और इस वीडियो पे और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है उसको जाकर चेकआउट कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।